Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Anita Kapoor and you're watching Enhance Your Beauty with Fashion and Lifestyle. आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, जब देखो बारिश हो जाती है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, चिप चिप सी स्किन रहती है, बालों में भी स्कैल्प में कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती है और स्पेशली बालों का झड़ना। अब रेनी सीजन में स्पेशली बालों का झड़ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या होते हैं और हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं, तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। बेसिकली बरसात के मौसम में नमी और ह्यूमिडिटी अपने चरम सीमा पर होती है और इसी वजह से हमारी स्किन को और हमारे बालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नमी ज़्यादा बढ़ने से मौसम में इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि उसकी वजह से बालों के में स्कैल्प पर भी कई तरह की प्रॉब्लम। वेदर में इतनी ह्यूमिडिटी होती है तो उसकी वजह से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है और ज़्यादा नमी होने से हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। स्किन ऑयली होने बालों की स्कैल्प की स्किन, मैं स्किन की बात नहीं कर रही, मैं बालों की बात कर रही हूँ कि हमारे हेयर के स्कैल्प की स्किन जो होती है, हमारे त्वचा उसकी इतनी ऑयली हो जाती है, उसमें इतनी नमी हो जाती है, उसकी वजह से बाल बेजान हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ हो जाती है और बाल वीक होकर टूटने लग जाते हैं, फॉल करने लग जाते हैं। और स्पेशली रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम, अगर आपको नॉर्मली आपके 10 से 15 बाल झड़ रहे हैं तो उसमें आपके 30-50% बाल झड़ने की मात्रा जो बढ़ जाती है। सबसे पहले इसका जो रेमेडी होगी वो होगी कि जब हम बालों को झड़ता देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हम टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आने से हम कुछ भी लगाना शुरू कर देते हैं और अपने बालों की या तो केयर करते नहीं या बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट हमें सही डायरेक्शन में सही केयर करनी है जिससे कि हमारे बालों की जो भी प्रॉब्लम है स्पेशली हेयर फॉल के लिए तो वो सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले तो अपने बालों को झड़ता देख के आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस होने से हमारे बाल और भी ज़्यादा झड़ते हैं। तो चलिए स्ट्रेस ना लेते हुए कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आपके बाल बिल्कुल हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से शाइनी होकर एकदम आप इस मौसम में भी बालों को बहुत अच्छे से केयर कर पाएंगे। हेयर फॉल रोकने के लिए सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि हम बालों को धोने में बिल्कुल भी आलस ना करें। अगर आपके बाल गंदे हैं, अगर आपके बालों में चिपचिपाहट है, तो नेचुरली आप देखिए बालों में जब गंदगी होती है, बाल चिपचिप करते हैं, उसमें इचीनेस भी बढ़ जाती है, आपको इरिटेशन हो सकती है और नमी पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी फैली होती है और बालों में गंदे बालों में वो और भी ज़्यादा नमी जो होती है इरिटेशन दे सकती है, आपके बालों में खारिश हो सकती है। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि अपने बालों को वीकली 2-3 times जरूर वॉश करें अपने बालों को। पॉइंट ये आता है कि बारिश में आप कितना भी बचा लो, आप बारिश में कहीं ना कहीं कभी ना किसी दिन आप भीग ही जाते हो। जब आप बारिश में आपके भीग गए हो, आपके बालों में बारिश का पानी आ गया है, तो आप घर आकर अपने ऑफिस से हो या आप घर पे भी हो, तो आफ्टर बारिश आप अपने बालों को जरूर वॉश करें। आप ये ना सोचे कि चल मैं कल सुबह वॉश कर लूँगी बाल, उसी टाइम उसी दिन आप हेयर वॉश जरूर करें और वॉश करने के बाद इसे नेचुरल तरीके से सूख लें। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हम अपने बालों को ड्राई रखें। कोशिश करें कि अपने बालों को आप जब भी आप वॉश करें आप गीला टाई ना करें। कई बार होता ना हमें बहुत जल्दी है, हम बालों को वैसे ही गीला बांध के चल देते हैं, तो आप अगर कहीं ऑफिस जाते हुए अपने बाल बांध के चले भी गए हैं तो कोशिश करें आप उसको हल्का हाफ टक करें या अच्छे से उसको सेमी ड्राई करने के बाद ही बालों को बंद करें। हेयर वॉश करने के बाद आप बालों को नेचुरल तरीके से सुखाएं, आप हेयर ड्रायर का यूज़ ना करें, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे बाल ऑलरेडी वीक हुए होते हैं, क्योंकि रूट्स में बहुत नमी होती है वेदर की वजह से। तो आप बालों में अगर ड्रायर चलाएंगे, बाल ऑलरेडी बालों के रूट्स वीक हैं तो वो जल्दी से कमज़ोर होकर ज़्यादा झड़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि बालों में ड्रायर का यूज़ ना करें, ना ज़्यादा बहुत प्रेसिंग करें, क्योंकि बाल इस टाइम वीक होते हैं, क्योंकि बालों की स्कैल्प में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे से एंटर कर रही होती है। तो आप ट्राई करें कि बालों को नेचुरल तरीके से टावल से अच्छे से सेमी ड्राई करने के बाद, सुखाने के बाद ही आप बालों को टाइप। इस पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि आप अपने बालों में वीकली 2 times हेयर ऑयल लगाएं, हेयर ऑयल वो भी हॉट वाला, थोड़ा गुनगुना ऑयल लेके अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें। यह आपके बालों की स्कैल्प को ना सिर्फ पोषण देगा, इससे आपके बाल भी हेल्दी हो जाएंगे। ऑयलिंग करने से आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, स्मूथ लगेंगे और बालों में एक अलग से शाइन लगेगी। बट आप ऑयल को बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें, क्योंकि नमी होती है मौसम में तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा तेल वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। बालों में ऑयल आप 2-3 घंटे तक रखें, फिर किसी माइल्ड शैम्पू से आप धोएं। हेयर फॉल रोकने के लिए आप अपने घर पे भी होम मेड पैक भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही असरदार होते हैं। तो मैं आपके साथ हेयर पैक एक शेयर करती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल प्लांट बेस्ड ले लें, आर्टिफिशियल वाला ना लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेकेंड आपको लेना है विटामिन ए के कैप्सूल और थोड़ा सा आपको उसके अंदर नारियल का तेल डालना है। तीनों चीज़ों को मिला के उसको आप स्कैल्प पे लगा लें। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
हेयर पैक बनाने के लिए आपको चाहिए एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई के कैप। सबसे पहले एलोवेरा जेल की पल्प को निकाल लेंगे। इसमें मैंने पहले ऑलरेडी ये निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा पल्प में और डालूंगी। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1 स्पून कोकोनट ऑयल एंड 2 to 3 विटामिन ऑयल ऑयल के कैप्सूल। इन सबको डाल के आप अच्छे से इसको फैट लें लाइक दिस। इसको लगातार अच्छे से फैटें जब तक ये पेस्ट अच्छे दूसरे में सब सामान मिक्स ना हो जाए, ताकि आपके हेयर में लगाने लायक ये मास्क बन जाए। हेयर पैक बन के तैयार है। इसमें जो तीनों इंग्रेडिएंट्स हमने जो डाले हैं बहुत ही पावरफुल हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं एंड इसमें हेयर फॉल में ये तीनों बहुत ही पावरफुल्ली हेल्प करते हैं बालों की डेड सेल्स को इम्प्रूव करने में। तो इसको आपके साथ में हम लगा के देखते हैं, ट्राई करते हैं और आप भी इसको घर में आसानी से बना के यूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट के लिए कॉटन को पहले थोड़ा सा गीला कर लेंगे और इसमें हम अच्छे से इसको डिप करके और रूट्स में इसको पार्टिंग बाय पार्टिंग खोल के लगाएंगे और इसी को लेंथ में भी हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से करते हुए जब आप इसको पूरे रूट्स में अच्छे से लगा लें आप पूरे बालों में लगा लें, तब अच्छे से हल्के हाथों से इसमें मसाज करें। और उसे 30 से 40 मिनट तक लगे रहने दें और किसी माइल्ड शैम्पू से उसके बाद में इसको वॉश करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरे टिप्स आपके काम आएंगे, मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से यूज़ करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नई नॉलेज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।